अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। हमारे आज के टॉप 10 के स्पॉन्सर है फातिमा डेट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, नाउ इन भिवंडी एट मिराकल मॉल। आज भिवंडी महानगर पालिका प्रभाग समिति 5 के नवनिर्वाचित चेयरमैन फराज बाबा बाउद्दीन ने अपना कारभार संभाला। अपने ऑफिस के पहले दिन बाबा बाउद्दीन ने कहा, मैं सबसे पहले पुरानी शिकायतों पर काम करूंगा और शिक्षा पर ध्यान दूंगा। भिवंडी महानगर पालिका के अंतर्गत गुरुवार 5 नवंबर को पानी सप्लाई 5 घंटे के लिए रहेगा बंद। नई बस्ती के क्लोरोनेशन प्लांट में वॉल की मेंटेनेंस के काम के चलते दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक शहर में पानी की सप्लाई रहेगी बंद। थाने के आईटी फर्म में जॉब करने वाले अभिषेक गुप्ता को उसकी गर्लफ्रेंड नरगिस जावेद ने अपने घर वालों के साथ किडनैप कर गुप्ता के घर वालों से 4 लाख रुपए की फिरौती मांग की। रात भर के सर्च ऑपरेशन के बाद थाने पुलिस ने किडनैपर फैमिली को विरार से गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ करने के बाद नरगिस के पिता ने बताया, वाराणसी में नरगिस की शादी के लिए पैसे की मांग की थी। मुंबई में बढ़ रही है बच्चा चोरी होने की वारदात। मलाड के मालवनी इलाके से फुटपाथ पर सो रहे एक परिवार की 1 साल की बच्ची को कोई चुरा ले गया। माँ को पता चलने पर फौरन पुलिस में कंप्लेंट की। मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से महज 2 घंटों में बच्चे समेत 4 लोगों को अंधेरी से गिरफ्तार किया और बच्ची को अपनी मां से मिलाया। 4 नवंबर से शुरू होगी माथेरान की टॉय ट्रेन। लॉकडाउन के दौरान बंद हुए माथेरान हिल स्टेशन को टूरिस्ट के लिए 2 सितंबर से शुरू कर दिया गया था, लेकिन टॉय ट्रेन बंद थी। 4 नवंबर से अमन लॉज से माथेरान तक दौड़ेगी माथेरान की रानी। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए ला रहा है स्टोरेज मैनेज करने का नया टूल। बल्क फॉरवर्डिंग फाइल्स के बैकअप स्टोरेज को अब क्लीन करना होगा और आसान। सेटिंग में आएगा मैनेज स्टोरेज का ऑप्शन। साथ ही व्हाट्सएप के ओनर मार्क जुकरबर्ग ने अपने 3rd क्वार्टर की मीटिंग में कहा है कि व्हाट्सएप पर डेली 100 बिलियन मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। यूपी मेरठ के बीजेपी MLA संगीत सोम का लव जिहाद पर आया विवादित बयान। संगीत सोम ने सोशल मीडिया पर अपने वोटरों से कहा, लव जिहादियों को खुद ही सबक सिखाए, पुलिस और कोर्ट के चक्कर में ना पड़े, डंडा उठाओ और सबक सिखाओ। साथ ही हिंदू से अपील की है कि अपनी बहन बेटियों की हिफाजत भी खुद ही करे। संगीत सोम पहले भी अपने भड़काऊ भाषणों से चर्चा में रह चुके हैं। बिहार इलेक्शन में मधुबनी की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फेंके गए प्याज। नीतीश कुमार अपने भाषण में बेरोजगारों को जॉब दिलाने की बात कर रहे थे, तभी किसी ने उन पर प्याज फेंका। इसके पहले भी उनकी रैलीज में जनता ने अपनी नाराजगी दिखाई है। शनिवार को बिहार में इलेक्शन की आखिरी चरण की होगी वोटिंग। आज IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों पर हैदराबाद ने फेरा पानी। मुंबई इंडियंस से मैच जीतकर हैदराबाद ने प्लेऑफ में अपनी जगह बना ली। साथ ही मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो गए। 5 नवंबर से खेले जाएंगे प्लेऑफ के मैचेस। आज सेंसेक्स 503 अंकों की बढ़त के साथ 40,261 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 144 अंकों की बढ़त के साथ 11,813 पर हुआ बंद। गोल्ड 51,596 पर ट्रेड करते हुए और क्रूड ऑयल 2,822 पे ट्रेड करते हुए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के मेरे टॉप 10 न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई टॉप 10 के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू।